मधुबनी कला केंद्र की संस्थापक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार मनीषा झा ने बिहार के मिथिला क्षेत्र के अलग अलग भागों में रहने वाली 37 महिला चित्रकारों की 100 दुर्लभ पेंटिंग्स का संकलन दिल्ली के ललित कला अकादमी में 6 अप्रैल 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई। इस अनोखी प्रदर्शनी में मशहूर चित्रकारों की 100 के करीब कभी न देखी गई पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन कलाकारों में पद्मश्री पुरस्कार विजेता जगदम्बा देवी, गोदावरी दत्ता, बउवा देवी, दुलारी देवी के साथ फन में माहिर वरिष्ठ चित्रकारों जैसे बिमला दत्ता, गोपाल साह की पेंटिंग्स का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी का आयोजन मिथिला की समृद्ध लोक कला की परंपरा को जीवित रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रदर्शनी से मिथिला क्षेत्र के निवासी इन महिलाओं की शानदार पेंटिंग्स के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इससे मिथिला की महिलाओं को अपनी पारंपरिक कला को जारी रखने के लिए आर्थिक दृष्टि से कुछ लाभ हो सकेगा। मिथिला पेंटिंग्स की पौराणिक उत्पत्ति का मूल रामायण महाकाव्य के बालकांड में देखा जा सकता है, जिसमें महाराजा जनक का जिक्र किया गया है। महाकाव्य रामायण के बालकांड में यह वर्णन किया गया है कि महाराजा जनक ने राजकुमारी सीता के विवाह के दौरान अपने सभी नागरिकों को इन पेंटिंग्स को दीवार पर सजाने के आदेश दिए थे। जी, ये हमारी बिहार की मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग वहाँ की एक लोक कला है। तो यहाँ पे जो अभी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगी है वो मिथिला पेंटिंग की लगी हुई है, जिसको कि मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। और उसी पे रामायण, मिथिला रामायण इस श्रृंखला में जो पेंटिंग लगी है वो मिथिला रामायण पे आधारित है। सारी आप पेंटिंग्स यहाँ देखोगे सब रामायण पे बनी हुई। ये पीछे जो आप देख रहे हो हनुमान जी पे बनी हुई है, जो थीम पे, वो मेरी पेंटिंग है जहाँ मैंने हनुमान जी का चित्रण किया है। जी, समय तो मैंने इसे 10 से 12 दिनों में बनाया है। और इसको बनाने में थोड़ा समय लगता है। मिथिला पेंटिंग जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ब्लॉक्स और छोटे छोटे कचनी, आप देखोगे बहुत महीन महीन काम होता है। कलर भी इसमें बहुत बारीक यूज़ होती है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस बन जाते हैं, तो इसमें समय लगता है। बट यही इसकी खासियत भी है, जिसके वजह से ये तो रहता है। कोई भी कलाकार सोचता है कि वो जब कुछ ऐसे बनाता है, पहले वो एक कल्पना करता है कि वो ऐसा चित्रण करे, और बनाते समय वो चाहता है कि उसने जैसी कल्पना की है वो कैनवस पे उतारे। लेकिन बहुत सारी तरह की आती है कि आप कभी ड्रॉ करते हो तो कैसे आप उसका कैरेक्टर्स जो भी बनाते हो तो वो ड्रॉइंग में कैसे आ रही है, या कलर आप यूज़ करो तो कलर कैसे आ रही है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो हम लोग इसलिए हमेशा थोड़ा गैप रखते हैं, एक सीटिंग में नहीं, हमेशा बहुत सारी सीटिंग में बनाते हैं। तो हम लोग अपना पहले बधाई देती हूँ मनीषा झा जी को, जिन्होंने इस इतनी खूबसूरत प्रदर्शनी का, मिथिला आर्ट वर्क्स का, जिसमें इनकी खुद की बहुत सारी पेंटिंग्स प्रदर्शित हैं आज, उसका आज ये आयोजन किया। और मुझे बहुत यहाँ आने का और सारे आर्टिस्ट से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत, जो मनीषा जी ने कहा था कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो जीवन की पद्धति है, शैली है, जिसमें ये सारे भाव रचे बसे हैं, उनका कहीं डिपिक्शन हो, और जिस तरीके से उसे चित्रित किया जाता है मधुबनी शैली में, मिथिला आर्ट की वही ब्यूटी है। ये भाव जो हैं जो जिए जाते हैं, ये रस जो हैं जो लोग जिसका एक्सपीरियंस करते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो मैं सारे यहाँ जितने भी चित्रकार हैं, जिनके चित्रों की प्रदर्शनी हो रही है, मैं सबको बधाई देती हूँ। और मैं यही आशा करती हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ आएँ और इस प्रदर्शनी को देखें, और मिथिला की जो ये कला है मधुबनी पेंटिंग्स की, वो बहुत मशहूर हो और देश विदेश में लोग इसका आनंद उठाएं। एक्सपोजिशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्सपोजिशन है फॉर फोक आर्ट एंड मिथिला रामायण। जो ये मैंने 20 साल में संग्रहित किया है, तो ये पहली बार एक अवसर है कि आप 1960 से लेके 2024 तक की पेंटिंग एक साथ देख पाएंगे, जो कि मिथिलांचल का जो सीता मैया की जो धरती है उस पे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो फोक लोर है रामायण में, हमने उसको डॉक्यूमेंट किया है। और आप सीता जी की कहानी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिथिलांचल में, वो पूरी यहाँ पे देख पाएंगे। और ऑल्सो कि दिस पेंटिंग, जितने भी पद्मश्री हैं मिथिला पेंटिंग में, उनको भी आप एक साथ देख पाएंगे, जो कि पहले आप एक साथ कभी भी नहीं देख पाएंगे। वो सब पेंटिंग, वो बोला है कि नेवर सीन बिफोर पेंटिंग्स कैन बी सीन हियर इन दिस एग्जीबिशन। इस पेंटिंग को क्या नाम दिया गया है? इस एग्जीबिशन को मैंने नाम दिया है मिथिला रामायण। ये मिथिला पेंटिंग्स हैं जो कि बिहार से आती है,
और ये कला जो है महिलाओं द्वारा बनाई गई है, उन्हीं के द्वारा इवॉल्व हुई है और उन्हीं ने इसको एज अ धरोहर सजो के रखा हुआ है। एंड ये ओरल नैरेटिव है, मतलब मौखिक कला है, कहीं लिखी नहीं गई थी। ये 5000 साल से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन अपने आप एक दूसरे से सीखती गई है। तो इस कला का ये महत्व है जो कि मिथिला पेंटिंग कहलाती है, जो कि बिहार से है और पॉपुलरली इसको मधुबनी पेंटिंग भी बोला जाता है। मैं यही कहूँगी कि आइए और एक नई चीज़, नई भाषा को देखिए और सीताराम को अपने मन में बसाइए और एक जो दुर्लभ पेंटिंग्स है उनका भी आपको पहली बार देखने का अवसर मिलेगा। इसलिए सबको मैं आमंत्रित करती हूँ दिल्ली वासियों। देखिए ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत प्रदर्शनी है क्योंकि इतने सारे कलाकारों को ले करके और उन सब कलाकारों के काम को एक जगह एग्जिबिट करना ये बहुत बड़ी बात है और ये काम मनीषा झा जी ने किया है। ये बहुत अच्छा काम है और मुझे लगता है कि अपने आर्ट एंड कल्चर से जुड़े लोगों को, स्पेशली मिथिला और बिहार से जुड़े लोगों को, ना सिर्फ बिहार से जुड़े लोगों को बल्कि जो भी आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं उन सबको आके ये पेंटिंग एग्जीबिशन ज़रूर देखना चाहिए। देखिए ये कला उस समय की है, इतनी पुरानी है, आप 5000 साल कह लें या शब्दों में जैसे बांध लें। कहते हैं कि जब सीताराम जी का विवाह तय हुआ था तो इसका ओरिजिन वहाँ से हुआ है कि राजा दशरथ ने कहा था अपने नगर के लोगों को, जानकी जी के पिताजी ने कहा था नगर के लोगों को कि आप नगर को सजाइए मेरी बेटी के ब्याह के उपलक्ष्य में। तो जो लोगों, नगरवासियों ने जो पेंटिंग बनाई दीवारों पे, पूरे नगर को सजाया, वहाँ से इस कला का ओरिजिन हुआ, वहाँ से ये निकली है। दशरथ जी के जो पुत्र राम जी थे, राम जी दामाद बन के जब आए तो जानकी जी के गांव वालों ने पूरे गांव को, पूरे नगर को सजाया, तो वहां से इसका ओरिजिन हुआ है और आज ये यात्रा करके यहां तक पहुंची है। एनबीसी न्यूज के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।